सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हमने यहाँ की जिम लीडर टेट एंड लीजा को हराया था, जो कि सच में यार मेरी अभी तक की ना सबसे डिफिकल्ट बैटल थी। मैंने आज तक यार इतनी डिफिकल्ट बैटल नहीं की। और आज हम जाने वाले आगे। ओ यहाँ पर ये भसड़ कैसी मची है यार, कितने सारे मतलब टीम मैग्मा है ना। जहाँ तक ये टीम मैग्मा है, पिछले बार तो मैंने इन्हें हरा दिया था, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है, चलो देखते हैं। ओके ओ ये बंदा तो वही है ना जो स्टारकेट को ढूंढता है। ओके पोकेवेंजर फीलिंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई हेल्प मोशदीप्स, जिम लीडर इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, सो आई डिसाइड टू कम टेक अ लुक सी फॉर माइसेल्फ। ओके बट देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस टाउन, पीपल आर गोइंग ऑन अबाउट अ वार्निंग लेटर एंड द स्पेस सेंटर, आई डोंट थिंक इट कंसर्न मी इन एनी वे। ओके भाई यहाँ पर कोई स्पेस सेंटर है जहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। आई थिंक यहाँ होना चाहिए ना स्पेस सेंटर, देखते हैं। ओ ये रहा मोशदीप सिटी स्पेस सेंटर, यही है वो प्लेस जहाँ पर भसड़ होने वाली है आज पर से। मतलब सच में यार इस गेम में इतनी ज़्यादा भसड़ होती है ना सभी से, हमको यार पूरी टीम को संभालना है। पूरी ज़िंदगी चली गई, आधी ज़िंदगी तो हमारी इसी में चली गई लोगों के मैटर्स को सॉल्व करने में। देख रहे हो कितने सारे मैटर होते हैं, लगातार चार पाँच बार, कितने बार हुए हमने, कितने बार इन्हें हराया है एक के बाद एक। आई थिंक कि इस बार इनका प्लान फिर से कोई है, पिछले बार तो मैंने इन्हें रोक दिया था, तुम सभी ने देखा था यार पिछले बार हमने इनके प्लान को फेल किया था। और ग्राउडन पता नहीं कैसे यार वहाँ से उड़ के चला गया था, अगर तुम्हें याद हो तो वो, अगर सीन तो तुम्हें सच में याद है ना, मैं तो शौक में था यार कि आखिर वो वहाँ से उड़ के गया तो गया कैसे, ये चीज़ सच में शॉकिंग थी यार। ओके तो पहला पोकेमोन तो आसान था, बेल्डम था इसके पास में जिसे हराना बहुत ईजी था। और आज आई थिंक मेरी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बैटल होगी, मैं जितने ज़्यादा हो सकेगी ना गाइस उतने ज़्यादा को अवॉइड करने वाला हूँ। ओके पर फिलहाल कुछ लोगों से मुझे बैटल करनी होगी। पिछले बार यार अगर तुमने पिछले बार वीडियो मिस की हो, पिछले बार का हमारा एपिसोड, तो जाकर देख लेना। हमारे बीस्ट ने वहाँ पर जो काम किया था ना, मतलब आज तक मेरे कोई पोकेमोन ने उतना वैसा काम नहीं किया जैसे उस पोकेमोन ने किया। सच में मुझे लगा था मैं पहली बार हारने वाला हूँ, लिटरली मुझे लगा यार पूरी हिस्ट्री में पोकेमोन की अब मैं हारूंगा, मतलब क्योंकि आज तक तो हम नहीं हारे, हमारी विनिंग स्ट्रीक है। सच में गाइस आज तक मतलब मैंने एक भी बैटल नहीं हारी यार, जब से मैंने इस गेम की शुरुआत की और मैंने दूसरा भी गेम खेला था तो हम कोई भी बैटल नहीं हारे थे। पर पिछले बार मुझे सच में ये चीज़ लगी थी कि इस बार यार जाने वाला है हमारा पोकेमोन, पर नहीं यार बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम पे हमारे जो पोकेमोन ने काम किया, हमारे बीस्ट ने, इम्प्रेसिव, वो चीज़ सच में इम्प्रेसिव थी यार। और तुम सभी ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में यार जाकर सभी ने बताया कि उनको बहुत पसंद आए बीस्ट। ओके तो इसके पास में न्यूमेल है, और आई थिंक यहाँ पर गाइस हमारा एजुमेरल सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि देख रहे हो उसके पास में एडवांटेज है, अभी तक तो उसने सबको अच्छी तरीके संभाल लिया है। ओके वाओ नाइस, यहाँ पर गाइस आज मुझे लगता है ना एजुमेरल का बहुत ज़्यादा काम है, अच्छी बात है, हमारे पास में काफ़ी अच्छा लेवल है इसका, मैंने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। ओके और यार अब तो हमारा बीस्ट भी इवॉल्व हो चुका है, हमारी पूरी टीम इवॉल्व। ओ भाई यहाँ पर तीन लोग हैं यार, तीनों बंदों से बैटल करनी होगी क्या यार, ट्रिपल बैटल एक, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ट्रिपल बैटल हो सकती है। ओके एक एक करके आएंगे ये तीनों, एक एक करके हराना है इन्हें, चलो कोई बात नहीं, हराना आसान होगा यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो मैं सर्फ से ख़त्म करके देखता हूँ कितनी हेल्थ आती है इनकी। अच्छी बात गाइस ये है ना कि इनका लेवल ज़्यादा नहीं है, सबसे अच्छी पॉइंट यही है, वरना यार हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। ओके और हाँ यार एक चीज़ थी कि पिछले बार हम चाहते तो रिवाइव का यूज़ कर सकते थे उस बैटल में, जिम बैटल में रिवाइव, और हमारे पास में सुपर पोशंस भी पड़े हुए थे, पर हमने यार कुछ भी यूज़ नहीं किया। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है यार, हमने बिना किसी रिवाइव का यूज़ किए, बिना किसी पोशन का यूज़ किए उस बैटल को जीता, तो सच में यार ये चीज़ लेजेंडरी थी। मतलब हमेशा याद रखो यार पोकेवेंजर, चैंपियन पोकेवेंजर, पिछले बार हम जीते थे। ओके पोकेमोन मास्टर बनेंगे गाइस, वैसे मुझे ये सभी गेम्स को एंड करना है, मैं बहुत सारे गेम्स को लेकर एक्साइटेड हूँ, और मुझे देखना है यार कौन सा गेम सबसे टफ है। वैसे बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं, और मुझे ये फैक्ट भी पता है कि पोकेमोन एमराल्ड बहुत ज़्यादा टफ है, काफ़ी लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। ओके और हम बहुत ही जल्दी गाइस इन सभी गेम्स को ख़त्म करने के बाद में 3DS गेम्स खेलेंगे, और उसके बाद में स्विच के गेम्स खेलेंगे, तो बस वेट करना। अभी तो गाइस इस वाले गेम में मुझे सच में यार बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब पोकेमोन एमराल्ड में यार कमाल की चीज़ें हो रही हैं। और हाँ मैंने पिछले बार तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा गेम है जिससे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था मिस्टी वाला, तो तुम सभी लोगों ने थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे बताया था कि पोकेमोन फायर रेड चैप्टर्स थे ना, फायर रेड नहीं
रेड चैप्टर्स थे। ओके, रेड की स्टोरी के चैप्टर जो कि फैन मेड गेम है और काफ़ी कूल गेम है, मतलब बहुत लोग उसे खेलते हैं यार, हम भी किसी दिन खेलेंगे। पर फिलहाल गाइस मुझे मेन गेम्स खेलने हैं जिनकी मेन स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मुझे गाइस मैंने एक प्लान किया है, मुझे ये गेम पहले फिनिश करने है, उसके बाद में मेरे पास में कुछ स्पेशल प्लान है। रियली वो प्लान सच में गाइस, मुझे एक वीडियो तैयार करनी है, उसके लिए मुझे सभी गेम्स को पहले फिनिश करना होगा खुद से, उसके बाद में एक कमाल की वीडियो आने वाली है, तो इन सभी गेम्स से मुझे फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, आई थिंक मुझे आगे ही जाना होगा। यार इस बंदे ने मुझसे बैटल नहीं करी, मुझे लगा था मेरी बैटल तीनों से होगी, पर नहीं। ओ भाई यहाँ पर स्टीवन भी है, बिग फैन ब्रो स्टीवन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टीलिंग रॉकेट्स फ्यूल। ओके, सिंस यू आर सो क्यूरियस यू डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, वी आर गोइंग टू जेडिसन टू एंटायर लोड इनटू माउंट चिमनी विथ ग्राउड ऑन गोन। अच्छा गाइस, वी हैव नो नीड फॉर दैट स्लैब हेड ऑफ माई माउंटेन, भाई मैं समझ गया, सो वी यूज द फ्यूल पावर टू मेक द वोल्केनो एरप्ट, इट विल बी सेवेज। भाई गाइज इन लोगों के प्लान को देख रहे हो, ये लोग सच में यार इस बार कोई फ्यूल से ग्राउडॉन को उठाने वाले हैं, मतलब पूरा उस एरिया को। स्टीवन ओके यू आर गोइंग टू हेल्प मी, बिल्कुल यार हम हेल्प करेंगे इसकी बिल्कुल। तो यहाँ पर यार मुझे एक पोकेमोन को पहले चुनना है और डिसाइड करना है हम कौन से पोकेमोन को पहले भेजेंगे, कौन से पोकेमोन को दूसरे में। तो यार ये चीज़ तो डिफ़िकल्ट है यार, मुझे पता नहीं है इनका कुछ नंबर वंबर कि हमें कब भेजना चाहिए, फिर भी देखते हैं। ओके, मैं पहले अपने पावरफुल पोकेमोन्स को भेजने वाला हूँ। ओके, तो हम गाइस इन तीन से बैटल करना चाहिए यार हमें। ओके, थर्ड पोकेमोन तो मैंने चुन लिया यार, पर ये एंटर क्यों नहीं हो रहा है। ओके भाई मैंने किया तो यार, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने चुने थे तो ही। ओके, मैंने चूज़ किया था गाइस, मुझे जहाँ तक पता मैंने चूज़ करे हैं, देखो ना। ओके, कन्फर्म भी करना है यार, नीचे से कन्फर्म हो रहा है। ओके, तो मेरी गलती थी, चलो कोई बात नहीं, थैंक गॉड अब तो ठीक हो गया सब कुछ। तो गाइस आज हम स्टीवन की मदद करने वाले हैं, मेरा फेवरेट स्टीवन स्टोन। ओके, तो यार ये बैटल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, देखने से तो डिफ़िकल्ट है यार, अब पता नहीं बैटल कैसी होगी। भाई इनके पास में गाइस तुम लोग पोकेमोन देख रहे हो, कितने सारे पोकेमोन्स हैं, वाओ। चलो अच्छा हुआ यार मैंने पहले अपने एजुमेरल को रख लिया था, क्योंकि इनके पास में कैमराप्ट है और माइटियाना है, अच्छी बात है। तो मैं गाइस खेलने वाला हूँ सर्फ से, मुझे पता है इनकी वाट लगने वाली है, इस कैमराप्ट की तो वाट लगने वाली है आज, और हमें दूसरे पोकेमोन्स पर भी भरोसा करना चाहिए था, मुझे अपने रखना चाहिए था यार दूसरे पोकेमोन को भी आगे। चलो कोई बात नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, कैमराप्ट तो ख़त्म, एक बार में ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। मज़ा आने वाला है यार, ये बैटल सच में कमाल की यार, हमें टीम अप करने को मिला है स्टीवन स्टोन से, और इसके पास में अभी मिटैंग है, मतलब इसका इवॉल्व नहीं हुआ, लास्ट तक शायद इसके पास में हो जाए मेरे ख्याल से यार, जब हमारी इससे बैटल होगी ना स्टीवन से लास्ट में, तो शायद तब तक इसका पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा स्टीवन का पोकेमोन। ओके, तो इसके पास में दूसरे पे गोल्ड बैट है, तो गाइस मुझे आई थिंक इसके लिए आइस बीम का यूज़ करना चाहिए, देखता हूँ मैं कितनी हेल्थ जाती है इसकी। वैसे ये कन्फ्यूज़न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिकम कन्फ्यूज़ हो गए यार हम। ओ स्वैगर नॉर्मली है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा अभी तक तो सही जा रहा है यार, हमारे पोकेमोन्स की हेल्थ भी नहीं गई, पर अभी तक यार मिटैंग ने कोई भी अटैक ढंग से नहीं किया। ओके, मेटल क्लॉस कितनी हेल्थ जाती है देखते हैं, वाओ डैम कूल यार कूल, स्टीवन स्टोन कूल है, सच में कूल है, उसका पोकेमोन ओपी है। चलो खत्म, माइटियाना तो ख़त्म हो गया इनके पास में, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे पोकेमोन्स हैं, और गोल्ड बैट का कन्फ्यूज़न तो बहुत ही बेकार है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे पोकेमोन, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो मैं आई थिंक मुझे डबल एज का यूज़ करना चाहिए इनके ऊपर, देखते हैं कितनी हेल्थ जाती है, बस अटैक मिस ना हो जाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये वाला अटैक मिस हो जाता है, तो अच्छी बात होगी अगर अटैक मिस नहीं हुआ तो। ओके, तो हमारी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं जा रही, हिल भी नहीं रही यार, बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये फाइट भी लेजेंडरी होने वाली है ऐसा लगता है यार, पिछले बार की तो लेजेंडरी थी, कोई भी डाउट नहीं है उसमें यार, आज तक की मेरी सबसे बेस्ट जिम बैटल, मतलब मैंने यार इतनी बेस्ट तो किसी चैंपियन से भी नहीं की होगी, इतनी ज़्यादा मतलब सारे पोकेमोन से यार मेरे फेंटेड हो गए थे, ऑलमोस्ट ख़त्म ही था हमारा बीस्ट, अगर सच में गाइस एक और अटैक उसको लग जाता ना तो वो ख़त्म था, पर बहुत ही कमाल क्या किया उसने, सब पोकेमोन को एक एक अटैक में हराया था, ये चीज़ सच में ओपी थी। अच्छा हुआ मैं अपने पोकेमोन्स को पहले ही लेवल अप करके रखा हूँ, एजुमेरल का लेवल अभी सबसे ज़्यादा है 46, जो कि कमाल की बात है। ओके, यहाँ पर यार मिटैंग तो काफ़ी कमाल का कर रहा है, उसने दो पोकेमोन्स को ख़त्म किया है ऑलमोस्ट। ओके ओके, इनके पास में सिर्फ तीन और पोकेमोन्स बचे हैं,
तो ये भी आई थिंक जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। इसके पास में काफ़ी अच्छे अटैक्स हैं मिटैंग के पास में। ओके भाई माइटियाना नाइस, ये भी ख़त्म। आई थिंक माइटियाना भी ख़त्म होने वाला है। ओ आधी से ज़्यादा हेल्थ गई है, चलो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर करने वाले हैं अपने आइस बीम का यूज़। ओके अब हम भाग भी नहीं सकते, कौन भागने वाला है यार इस बैटल से। इसने मील लोग का यूज़ किया है, बैटल से भाग ना पाए। अरे कौन भागने वाला भाई, इतनी कमाल की बैटल जीतने के बाद मैं भागने के बारे में कभी सोचने भी नहीं वाला। ओके यार यहाँ पर कमाल का कर रहा है मिटैंग, इंप्रेस कर दिया इस बंदे ने मुझे सच में, इसलिए मैं फ़ैन हूँ यार स्टीवन स्टोन का, बहुत कूल बंदा है। ओके क्रोबैट भी आई थिंक ख़त्म होने वाला है, इनका लास्ट पोकेमॉन है ये। बहुत अच्छी यार, हमारी पोकेमॉन्स की आधी भी हेल्थ नहीं गई, तुम लोग देख रहे हो, मतलब बहुत ही कूल फाइट हो गई है और बहुत आसानी से जीत जाएंगे हम इसे, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। ओके बस थोड़ा सा और यार, बस थोड़ा सा और। ओके फाइनली गाइस फाइनली, अरे यार इसके पास में एक और पोकेमॉन बचा, मुझे लगा ख़त्म। ओके ये कोई काम का भी नहीं, कैमरा भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, एक सर्फ से ये ख़त्म हो जाएगा। ओके सिर्फ एक सर्फ की ज़रूरत है हमें। गाइस आज की बैटल बहुत इजी थी, मतलब रियली इजी थी, मेरे लिए तो बहुत इजी थी। मैंने अच्छा हुआ एजुमेरल को पहले भेजा, एजुमेरल को, मुझे लगा था मैं पहले दूसरे पोकेमॉन को भेजूं, पर अच्छी बात है हमने एजुमेरल को पहले भेजा, जिससे इसने सभी पोकेमॉन से निपट लिया। बहुत ही कमाल की फाइट थी, अमेजिंग, मज़ा आ गया आज की फाइट में भी यार। मैंने सोचा नहीं था मैंने इतनी जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, पर अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं क्या होने वाला है। ओके आई थिंक गाइस ये लोग अभी उठाने वाले हैं ना ग्राउडॉन को। ओके वी फेल टू मेक द वॉल्केनो एरप्ट, ओके वी फेल टू कंट्रोल ग्राउडॉन आफ्टर वी हैड अवोकन इट, इट्स आवर गोल टू एक्सपेंड द लैंड, ओके मिसगाइडेड भाई, इफ वी टीम मैग्मा आर रॉन्ग, ओके देन माई टीम एक्वास गोल टू एक्सपेंड द सी ऑल्सो बी इक्वली मिसगाइडेड। ओके भाई ऑल राइट भाई, ये लोग कुछ नहीं करने वाले, पिछले बार भी इनका प्लान फेल हुआ था और इस बार भी। आई हैव समथिंग टू गिव यू एज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ओके प्लीज़ कम सी मी एट होम आफ्टर दिस, ओके ओ यस आई डोंट लिव इन रस्टबोरो सिटी, आई लिव राइट हेयर ऑन दिस आइलैंड। बहुत सही भाई, इसका इस आइलैंड में घर भी है, मतलब स्टीवन स्टोन के घर में जाएंगे तो वो हमें कोई गिफ्ट देगा, और मुझे पता है गाइज वो क्या मिलने वाला है, तुम सभी ने मुझे कमेंट्स में बता दिया था, तो मुझे पहले ही पता है, तो थैंक यू सो मच तुम्हारी कमेंट्स में टिप्स बताने के लिए यार, मुझे इस चीज़ से पहले ही पता चल गया है वो हमें क्या देने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो गाइज मैं पहले जाने वाला हूँ उसके घर में। ओके ये रहा, यही है ना उसका घर, नहीं यार ये नहीं है, इवन स्टीवन स्टोन का घर यहीं कहीं है, वो यहीं रहता है। ओके ये रहा स्टीवन स्टोन का घर, ये रहा स्टीवन, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच गाइस तुम्हारी टिप्स के लिए। पोकेवेंजर एज यू कैन सी देयर इज नॉट मच हेयर बट दिस इज माई होम, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डन, ओके दिस इज माई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट्स द हिडन मशीन डाइव। ओके भाई हमें डाइव मिल गया फाइनली, HM08 डाइव, फाइनली हमारे पास में डाइव है। अब हम पानी के अंदर जा सकते हैं यार, और उस शिप में भी जा सकते हैं जो थी ना वहाँ पर, कुछ भी है तो देखते हैं वहाँ पर जाके। ओके तो थैंक यू सो मच गाइस तुम्हारी टिप्स के लिए, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चल पाया था कि हमें स्टीवन क्या देने वाला है। तो गाइस अगर आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर तुम्हारे पास में कोई टिप्स तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो मुझे जाके कमेंट्स में बताओ, कोई और चीज़ अगर यहाँ पर बची हो जो हमने नहीं की तो जाओ कमेंट्स में बताओ। और हाँ गाइस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो हमारी जर्नी में, जिससे तुम जुड़ जाओगे और तुम्हें अगली वीडियोस मिल पाएंगी, और कमेंट भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।